लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। 20 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई है। इस केस में सह आरोपी सैफ अली, तबू, सोनाली और नीलम को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया गया है। वैसे सिर्फ सलमान ही नहीं, बॉलीवुड के कई स्टार्स हैं जो पहले भी कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। मोनिका भी जेल में अपना लंबा वक्त गुजार चुकी हैं। 2002 में लिस्बन पुलिस ने उन्हें फर्जी दस्तावेजों के साथ पुर्तगाल में एंट्री करने के लिए अबू सलेम संग गिरफ्तार कर लिया था। सैफ एक NRI इकबाल शर्मा से मारपीट करने के मामले में जेल जा चुके हैं। मुंबई के ताज होटल में सैफ और उनके दोस्तों पर एक NRI संग मारपीट करने का आरोप लगाया था। मामले में सैफ को जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। संजय को मुंबई ब्लास्ट मामले में अवैध हथियार रखने के जुर्म में सजा हो चुकी है। 1993 में संजय को टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 1995 में उनको जमानत मिल गई और 2006 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 2007 में रिहा होने के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय को 5 साल की सजा सुनाई थी। 1.5 साल की सजा संजय पहले ही काट चुके थे, इसलिए उन्हें 3.5 साल के लिए पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया था। फिरोज खान के बेटे फरदीन खान 2001 के दौरान वह काफी चर्चा में रहे। इस दौरान फरदीन खान को कोकीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शाइनी को रेप केस के मामले में करीब 27 दिन के लिए जेल में जा चुके हैं। दरअसल उनके घर में काम करने वाली मेड ने शाइनी पर बलात्कार का आरोप लगाया था, हालांकि बाद में मेड ने केस को वापस ले लिया था। जॉन को 2 लोगों को बाइक से टक्कर मारकर घायल करने के आरोप में सजा दी गई थी। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था कि इसके चलते वे सिर्फ 15 दिन तक सलाखों के पीछे रहे थे।